फिर से स्वागत है हमारे एक और से नए से ब्लॉग में। तो ये है नेक्स्ट डे और आज हम लोग मथुरा जाएंगे और प्रेम मंदिर। तो अभी प्रेम मंदिर के लिए निकल रहे हैं, सामने ही है और देखते हैं कैसा पीर। ऐसे तो अंदर वीडियोग्राफी थोड़ा अलाउ नहीं है, ऐसे सब इस्कॉन ये सब में भी अलाउ नहीं रहता, इसमें भी नहीं है। तो जितना हो पाए उतना शूट करेंगे और मेन आज हम लोग मथुरा जाएंगे तो मथुरा का दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं। तो अभी कुछ भीड़ कम है, और अभी कुछ ठीक है, अब अंदर जा सकते हैं। तो पता नहीं जाने देंगे कि नहीं। तो ऐसा कुछ मंदिर है। तो अभी हम लोग अंदर में हैं, सुबोध बा फोटो ले रहे हैं। कैसे सुबोध बा, कैसा है मंदिर? अच्छा है ना, एक नंबर मंदिर है। हाँ, ये 2013 में बना था, कृपालु महार के सौजन्य से बना, और उस समय 100 करोड़, अभी कम से कम इसका वैल्यू 300 करोड़ होगा। हाँ, देखिए उधर कृपालू आपको दिखा, यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ पे कृष्ण राधा, वहाँ पे कृष्ण जी। तो अब हम लोग खाना खा चुके हैं और अब मथुरा के लिए निकलेंगे। तो अब हम लोग चेकआउट कर रहे हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं श्री कृष्ण जन्म स्थल। मथुरा यहाँ पे सब लोग का घर भी है और यही रास्ता है जाने का, जहाँ श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। चलिए देखते हैं श्री कृष्ण जी का जन्म भूमि। अरे मैक्सिमम जगह तो शूट ही नहीं करने देता। यहाँ पे श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था, जन्म भूमि। अच्छा लाइन है, घर होगा सब पुराना पुराना। और बाकी यहाँ पे सब लोग का घर भी है और इसके आगे यहाँ से स्टार्ट होता है श्री कृष्ण जन्मभूमि। अभी हम लोग CNG भरवा रहे हैं और अब पहुंच चुके हैं साकेत और फिर गुरुग्राम और फिर उसके बाद घर। पहले एक हॉस्पिटल जाना है, एक डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, उसके बाद फिर हम लोग घर चले जाएंगे। और वो जन्मभूमि नहीं दिखा पाए थे, एक सेकंड कैमरा थोड़ा गंदा हो गया। जन्मभूमि नहीं दिखा पाए थे क्योंकि अंदर कैमरा अलाउ नहीं था, ये कैमरा ले लिया गया। और अभी हम लोग यहाँ पे हैं, अभी लोटस टेम्पल जाएंगे अगर हो पाया, टाइम मिलता है तो। लोटस टेम्पल में अगर हर जगह कैमरा को अलाउ नहीं किया जाता इसलिए नहीं दिखा पाते, अगर कैमरा अलाउ रहा तो दिखा देंगे। और अभी थोड़ा सा रेस्ट भी लिया जा रहा है। 150 किलोमीटर यहाँ से पड़ता है वृंदावन मथुरा। वृंदावन से फिर 10 किलोमीटर और ज़्यादा ही है मथुरा, 140 समझिए, 160।
यह लोटस टेंपल और ये सब है गार्डन, उधर है लोटस टेंपल और कुछ खास ऐसा हरियाली है, ग्रीनरी आप सब जगह देख सकते हैं। सूचना केंद्र ये लोटस टेंपल सामने से देख सकते हैं, ये लोटस टेंपल और ये स्विमिंग पूल है क्या है, पानी का कलर हो तुम भी चाहो ना, मैं तो अंदर से कुछ ऐसा है और कुछ ऐसा खास तो कुछ है नहीं, बस स्ट्रक्चर ही है जो है, और हवा अच्छा लग रहा है बाहर, बहुत गर्मी, पंखुड़ी भर गया लाइन पंखुड़ी भर गया इसीलिए हम लोग लाइन में खड़े हैं। 15 मिनट तो लिए हो तो आपको भी नहीं हुए होंगे आए हुए, ब्लॉग में बोल रहा हूँ नहीं तो इसीलिए मैं गलत नहीं बोल रहा ना, झूठ झूठ मत बोलो, सच बोलो। आप ये पकड़ा गया ना, यही हो गया रिकॉर्ड। झूठ बोलना है आप, सच बोलना चाहिए। नहीं झूठ बोलो, चलो खुल गया लाइन, नहीं बस लाइन बता रहे थे लाइन। ये टोटका है मैडम, देखिए बोलने के बाद ऐसा, मैं तीसरा नंबर था, हम तो दूसरा नंबर थे, और यहाँ पानी साफ किया जा रहा है। इस तरह प्रे कर रहा, अच्छा हम लोग एंट्री उधर से एग्जिट पे, अंदर प्रेयर होता है तो हम लोग नहीं किए, हम लोग अब सीधा निकल रहे, हम लोग बस ऐसे देखने आए थे, और इतना हरा भरा है हो गया देख लिए, और अंदर आप जा सकते हैं, लाइन होता है, प्रेयर होता है, वहाँ लाइन लगता है अंदर, पता नहीं क्या प्रेयर होता है। सुबह में आना प्रेफर ना करें तो उसमें पैर जलता है, तभी हम लोग चाय पी रहे हैं यहाँ पे, कुल्हड़ का चाय तो नहीं लेकिन जो भी यहाँ पे बहुत अच्छा चाय मिलता है, रोड साइड जो भी चाय मिलता है यहाँ पे आपको ये सब देखने को मिलता है। तो अभी हम लोग हॉस्पिटल आ चुके हैं, एक अपॉइंटमेंट था वही दिखाने के लिए, तो आज हम लोग जा रहे हैं अयोध्या, और अभी हम लोग स्टेशन पे हैं आनंद विहार टर्मिनल, ये वंदे भारत फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करेंगे C1। अभी हम लोग 2:30 में पहुंचेंगे अयोध्या, और अभी टाइम हो रहा 1:26, सुबोध का गाना सुन रहा, फिर इसके बाद अयोध्या का ब्लॉग, और फिर कल वापस पटना, और आवाज आ रहा नहीं रहा होगा तो इसलिए ट्रेन के बाद ब्लॉग शूट करेंगे। तो अभी हम लोग अयोध्या पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक चीज़ नोटिस आप कर रहे होंगे कि सभी घर एक ही कलर का है, फ्रंट लुक जो भी घर का है सब एक कलर में, येलो और ऑरेंज बॉर्डर में आपको देख सकते हैं, और दुकान पे जो सबका नेम प्लेट है वो भी ब्राउन और वाइट कलर में है, पता नहीं यहाँ पे शायद गवर्नमेंट का ऐसा ऑर्डर है तो ये सब ऐसा ही सेम कलर में है। तो इसी के साथ इस व्लॉग को एंड करते हैं, अयोध्या में बस इतना ही व्लॉग शूट कर पाए क्योंकि पहला रीज़न मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, फीवर वोमिटिंग होने लगा अयोध्या में, वो रामलला का दर्शन हो गया वही बहुत था,
और उसके बाद रामलला में कुछ लॉकर वॉकर का सिस्टम था, तो फ़ोन ले जाना बहुत ही मुश्किल लग रहा था, तो फ़ोन होटल में ही छोड़ दिए। और फिर उसके बाद हम लोग सरयू नदी नहाए, फिर अयोध्या जो भी एक्सप्लोर किए वो शूट नहीं कर पाए क्योंकि फ़ोन किसी के पास भी नहीं था, हम लोग लेके नहीं गए। और फिर उसके बाद पटना आ गए और ये व्लॉग यहीं पर एंड होता है। और अयोध्या में ज़्यादा व्लॉग नहीं हो पाया, मथुरा में भी थोड़ा मोड़ा हो पाया, और बाकी वैष्णो देवी और वृंदावन का व्लॉग आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा रील्स के लिए, कुछ कुछ अच्छा अच्छा रील्स वहाँ पे अपलोड हो जाएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।